फरासिया में बजरंग दल ने अयोध्या राम मंदिर समर्पण निधि का कार्य कर रहे रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में रैली निकाली और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उन आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर हिंदू संगठन में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण में चंदा मांगने पर एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने रिंकू शर्मा की हत्या कर दी थी, जिसको लेकर विरोध में फरासिया में बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया। हिंदू संगठनों ने हत्यारे की फांसी की मांग राष्ट्रपति से की है। हिंदू संगठनों का कहना है कि लगातार हिंदूवादी युवाओं की विशेष समुदाय द्वारा हत्या की जा रही है, फिर वह चाहे तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर हो या अब राम मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रित करने पर हो। संगठन ने कहा, हिंदुओं की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आरोपी को तुरंत फांसी नहीं दी गई तो हिंदू संगठन आंदोलन करेगा। माननीय हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है। विषय यह है कि राम काज में लगा हुआ हमारा संगठन का दिल्ली में रिंकू शर्मा जी, जिसके जिहादियों के द्वारा बड़ी निर्मम उसकी हत्या की गई है, इस हत्या के विरोध में हम सब भजन दल विश्व हिंदू परिषद है ज्ञापन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को कि उन जिहादियों को अरेस्ट करके और तत्काल उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसमें जो व्यक्ति मैन है जिसने चाकू के माध्यम से उनके पीठ पर चाकू मारा है उसको फांसी की सजा मिले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।